Now we discuss about the Pascal's law. Very important और बहुत applicable. और दो दो स्टेटमेंट हैं इसके Pascal's law के. तो इस वीडियो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, Pascal's law डिस्कस करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द Pascal's law लेके चलेंगे, और फिर इसकी एप्लीकेशंस होंगी, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक प्रेस. ये तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो पहले लेके चल रहे हैं हम लोग Pascal's law. फर्स्ट स्टेटमेंट, इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, प्रेशर विल बी सेम एट एनी पॉइंट. इन एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, प्रेशर विल बी सेम एट एनी पॉइंट. अभी तो बताया था आपने, बताया कि पी कॉस पी टू माइनस पी वन कॉस टू एच रो जी आया था, और जी अगर हम जीरो कर दें तो पी टू कॉस टू पी वन हो जाएगा, एच कुछ भी हो. सेकेंड स्टेटमेंट भी जानो, इफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट एनक्लोज्ड इन अ वेसल एंड वी इंक्रीज द प्रेशर at any point of the enclosed liquid, it equally transmit to every point of the enclosed liquid without any loss. फिर से जाने, if liquid is in equilibrium of rest enclosed in a vessel perfectly and if we increase प्रेशर एट एनी पार्ट ऑफ द इनक्लोज लिक्विड, इट इक्वली ट्रांसमिट विदाउट डैमेज, इक्वली ट्रांसमिट टू अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट एनी लॉस. दैट इज Pascal's law. ऐसे जानो. दो डायग्राम लेके चल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए. तो दो डायग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लेके चल सकें. द वेसल, फिटेड विद फोर आइडेंटिकल पिस्टन्स, they are having same cross sectional area. Perfectly enclosed. Now here, we exert force on one piston downwards. F is the force acting downwards. Then it is found that, experimentally it is found that, all these three pistons moves outwards with same force. आपने एक जगह फोर्स लगाया है और वो बाकी की जो तीन पिस्टन्स हैं अगर उनके एरिया बराबर हैं तो तीनों पर बराबर फोर्स लगेगा आउटवर्ड्स. क्यों? आपको पता है कि प्रेशर क्या बनेगा, एफ अपॉन ए, और प्रेशर सेम रहना हर एक पर. अभी बताया आपने, if liquid is perfectly enclosed, if we increase the pressure at any part of the enclosed liquid, it equally transmit without loss. तो प्रेशर इक्वली जाएगा हर जगह. इस पे प्रेशर पी लगेगा, इस पे प्रेशर पी लगेगा, इस पे प्रेशर पी लगेगा. चूंकि एरिया सेम है, प्रेशर सेम है, तो फोर्स भी सेम लगेगा. तो आपने एक जगह आपने फोर्स एग्जर्ट किया है और बाकी की तीन पिस्टन आपने देखी, तीनों पे भी बराबर फोर्स लगा, दैट इज आउटवर्ड्स. क्लियर? नाउ अब हम ऐसा कर रहे हैं, इसका एरिया चेंज कर देते हैं, इसका एरिया चेंज कर रहे हैं.
इसका एरिया ए ले लिया हमने, टू ए ले लिया, थ्री ए ले लिया, ए बाई टू ले लिया, अलग अलग एरिया ले लिया। अ लिक्विड अगेन परफेक्टली एनक्लोज्ड एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। नाउ वी एग्जर्ट अ फोर्स ऑन फर्स्ट पिस्टन दिस वन, तो प्रेशर क्या होगा? तो देखें आप रिजल्ट क्या आते हैं। अब यहां पर भी हमें प्रेशर सेम रखना है, पी रखना है, लेकिन एरिया कितना हो गया 2a और होना कितना चाहिए f upon a। तो ऐसा करने के लिए फोर्स इंक्रीज्ड बाय टू टाइम्स, एरिया बढ़ाने पर फोर्स टू टाइम्स, एरिया आपने डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो गया, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर सेम रखना है, f upon a आना चाहिए यहां पर, वो तभी आएगा जब फोर्स डबल लगेगा। मतलब ये पिस्टन आउटवर्ड जाएगी विद द हेल्प ऑफ 2f। यहां पर देखें, यहां फोर्स कितना हो गया 3 टाइम्स, मतलब एरिया 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स भी 3 टाइम्स हो गया, एंड ये आउटवर्ड जाएगी बाय 3f। अब यहां पर देखें प्रेशर यहां पर क्या बनेगा, f upon a by 2, ये f by 2 हो जाएगा, क्यों? प्रेशर सेम रहना है, तो यहां पे फोर्स कितना लगेगा f by 2। तो ये पिस्टन बाहर निकलेगी f by 2 से, ये पिस्टन बाहर निकलेगी 2f से, और ये पिस्टन बाहर निकलेगी 3f से। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि इफ वी इंक्रीज द एरिया फोर्स विल इंक्रीज वाइल प्रेशर रिमेन्स सेम। एरिया बढ़ाने पे फोर्स बढ़ जाएगा लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा। सो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर एट एनी पार्ट ऑफ द एनक्लोज लिक्विड इट इक्वली ट्रांसमिट विदाउट डिमिनिस, दैट इज पास्कल्स लॉ। तो कंक्लूजन क्या मिला? एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, एरिया कम करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो ऐसा होगा। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेके चल रहे हैं, और हम जो लेके चल रहे हैं वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो इसका एक डायग्राम, हाइड्रोलिक लिफ्ट। दो पिस्टन लेके चल रहे हैं, एक पिस्टन जिसका एरिया ए है और एक का कैपिटल ए है। इसका एरिया बहुत छोटा है, ए वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, और ये रफली ये मान लो ए इक्वल्स टू सपोज 1000 टाइम्स ऑफ ए, और जिसपे हैवी बॉडी रख रखी है उसका एरिया बहुत बड़ा कर दिया। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप देख सकते हैं जहाँ सर्विस स्टेशन वगैरह होती हैं या फिर व्हील बैलेंसिंग वगैरह कराते हैं, तो उस पर वो थोड़ा सा एक बटन प्रेस करते हैं और गाड़ी अपने आप उठना स्टार्ट हो जाती है। एक बटन प्रेस करते हैं, एक अंगूठे से प्रेस कर रहे हैं और पूरी गाड़ी उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ। आप देख सकते हैं जो अच्छी सर्विस स्टेशन होती हैं उनमें लिफ्ट लगी होती है, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट।
बड़ी से बड़ी गाड़ियां और हैवी से हैवी गाड़ियां उठ जाया करती हैं एक छोटा सा बटन प्रेस करने पर। जानो कैसे? जैसे आपने यहां पे फोर्स लगाया एफ, सपोज इट इज 1 न्यूटन, आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और आपको पता है प्रेशर सेम रहना है, प्रेशर विल बी सेम एफ अपॉन ए, लेकिन यहां पर एरिया 1000 times ज्यादा है। सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए फोर्स आपने यहां 1 न्यूटन लगाया और यहां कितना लगेगा? 1000 न्यूटन। अभी हमने आपको बताया था जितने टाइम्स एरिया बढ़ाओगे फोर्स उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, यहां कितना लग गया? 1000 न्यूटन। इसीलिए आप थोड़ा सा यहां पे प्रेस करेंगे और हैवी से हैवी गाड़ी उठ जाएगी। और ये तो एरिया बहुत बड़ा होता है, हमने 1000 लिया, यहां पे हो सकता है 10000 times होता हो, 10000 times और मोर देन दैट। आप 1 न्यूटन लगाएंगे यहां पर 10000 न्यूटन फोर्स लगेगा, और 1 lakh times कर दिया आपने, आपने 1 न्यूटन लगाया 1 lakh न्यूटन फोर्स लगेगा। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। आजकल जो है हाइड्रोलिक पार्किंग भी आ गई है, थोड़ा प्रेस किया एक गाड़ी ऊपर, फिर प्रेस किया तो उतनी जगह में 5-6 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। हाइड्रोलिक पार्किंग बोलते हैं उसको, एक के बाद ऊपर चलती चली जाएंगी और वो सेट हो जाती है, उसे हाइड्रोलिक पार्किंग बोला करते हैं। समझिए कॉन्सेप्ट, ऐसे और जानो। तुमने देखे होंगे कुछ एक ट्रक होते हैं ना जिसमें लिफ्ट लगी होती है, ट्रैक्टर जिसमें लिफ्ट लगी होती है, ड्राइवर क्या करता है उसको अंदर से एक बटन प्रेस करता है और ट्रॉली यूं उठना स्टार्ट हो जाती है, सारी सारी मिट्टी बाहर आ जाएगी, जैसे पूरा मिट्टी या बजरी से भरा हुआ ट्रक है, उसमें अगर लिफ्ट नहीं लगी हुई है तो मजदूर से जब आप उसको खाली कराओगे कई मजदूर लगाने पड़ जाएंगे और काफ़ी टाइम लग जाएगा। जबकि जिसमें जिस ट्रक में लिफ्ट लगी होती है वो 5 मिनट के अंदर पूरा ट्रक खाली हो जाता है। क्यों? लिफ्ट लगी हुई है, वो जैसे जैसे वहाँ प्रेस करेगा ये उठना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे सारे एक साथ बाहर निकल जाएगी। वो छोटा सा एक बटन प्रेस कर रहा है और ये पूरा पूरा निकल रहा है, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसे हाइड्रोलिक लिफ्ट बोला करते हैं। और अब सेकंड एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। उसका डायग्राम देखो, और अब लेके चल रहे हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसका डायग्राम देखें आप, तो इस तरह होता है, ये मास्टर पिस्टन होता है, ठीक है, सिलेंडर पानी से भरा होगा। जैसे आप यहाँ से, ये जो ओपन नहीं है एक्चुअली, ये अदर टायर्स के लिए है। और यहाँ पर आप देखें तो इस तरह के स्मॉल पिस्टन्स लगे हुए हैं और आपस में स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये ब्लेड्स होता है एक, ठीक है, लेदर ब्लेड्स बोलते हैं उनको,
उससे फिटेड होता है, ठीक है। और जैसे आप यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो स्प्रिंग है वो एलोंगेट होगी, खिंचेगी। जैसे ये बढ़ेगी वैसे ये जो आप देख रहे हैं लेदर ब्लेड्स, ये रिम के कांटेक्ट में आ जाएंगे इनसाइड। जैसे कांटेक्ट में आएंगे दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। और आपने एक जगह फोर्स लगाया है, क्योंकि सारे टायर्स का जो क्रॉस सेक्शन पार्ट होता है बराबर होता है, जो यहां पे लगेगा वो सब पे बराबर लगेगा। एक जगह फोर्स लगाया चारों टायर्स पर बराबर फोर्स लगेगा, चारों टायर्स पर बराबर फोर्स लगेगा, जिससे कि गाड़ी बैलेंस रहे। आपने एक जगह फोर्स लगाया लेकिन चारों टायर पर बराबर फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो सबका बराबर होता है। अब जैसे ही आप इससे पैर हटाएंगे स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, नॉर्मल पोजीशन पे आएगी, तो इन लेदर ब्लेड्स का कॉन्टैक्ट रिम से हट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। हाइड्रोलिक ऑयल पड़ा रहता है एक, इसमें पानी नहीं होता, ये इसमें ऑयल हुआ करता है, ठीक है, ब्रेक ऑयल बोला करते हैं उसको। और उसकी खासियत ये होती है इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेस नहीं होगा, फोर्स लगाएंगे तो पूरा पूरा ट्रांसफर होगा, कंप्रेस नहीं होगा। एक ड्रॉबैक भी है इसकी, कहीं से भी थोड़ा भी अगर लिक्विड या ऑयल लीक कर गया तो ब्रेक्स कंप्लीटली फेल हो जाए करते हैं, ब्रेक्स कंप्लीटली फेल अगर थोड़ा भी कहीं भी लीक कर गया तो। ये इसकी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। ये था हाइड्रोलिक ब्रेक्स, क्लियर। फोर्स लगाया ये एक्सपेंड होगी, रिंग के कांटेक्ट में आएंगी और फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगी, और ऐसा ही बाकी के बचे हुए टायर्स पे होगा। जैसे ही आप पैर हटाएंगे ये वापस अपनी पोजीशन पर जाएगी और इनका कांटेक्ट रिम से हट जाएगा, ठीक है। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस देखें, ये प्रिंटिंग प्रेस है, ये प्रिंटिंग प्रेस, और पुराने जमाने में जो काम करती थी वो है, कैसे काम करती थी जानो उसको। द लार्ज वेसल इज रिजर्वायर ऑफ वाटर, दो ये किस तरह वर्किंग करती है। देयर आर थ्री वाल्व V1, V2 एंड V3, एट ए टाइम केवल एक ही ओपन होगा। ये स्मॉल एरिया वाला पिस्टन है, ये लार्ज एरिया वाला पिस्टन है। ये जो पैड है वो फिक्स्ड है और ये पैड मूवेबल है, ये मूव करेगा अप एंड डाउन। ये फिक्स्ड है
इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, लोड लगाया गया है जिससे कि ये फिक्स रहे, ये अप एंड डाउन मूव करेगा ये वाला पार्ट, और ये रिजर्वायर है लिक्विड का। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे अपवर्ड, ये वॉल्व V1 ओपन हो जाएगा और पानी राइज कर जाएगा, लिक्विड विल राइज और ये क्लोज हो जाएगा जब ऊपर खींचेंगे। लेकिन जैसे हम इसको नीचे फोर्स लगाएंगे, अब ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज और ये ओपन, अब सारा प्रेशर यहां पर आएगा। आपको पता है कि यहां एरिया बहुत कम और ये एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने से फोर्स बढ़ जाएगा, प्रेशर तो उतना ही रहना है। आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और पिस्टन बड़ी ना सरफेस एरिया का बहुत आसानी से ऊपर चढ़ेगा। अब होता है कि ये प्रिंटिंग प्रेस है, अब जो आपको प्रिंट करना है वो ऊपर लगा दिया, ऐसे मान लो हमें ये चीज़ प्रिंट करनी है तो यहाँ लगा दी, ठीक, और जिसके ऊपर प्रिंट करना है वो यहाँ लगा दिया, नीचे वाले के ऊपर लगा दिया, नीचे वाला पोर्शन उसके सरफेस पे लगा दिया जिसके ऊपर प्रिंट करना है, और जो प्रिंट करना है वो हमने ऊपर लगा दिया ऐसे। और जैसे आप फोर्स लगा रहे हो ये राइज करेगी, एक टाइम ऐसा आएगा ये कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, अब उस पर प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद क्या करेंगे, इस वॉल्व को धीरे धीरे खोलेंगे, पानी नीचे निकलेगा और ये फिर डाउनवर्ड आ जाएगा, उस पेपर को निकाल लेंगे, दोबारा फिर सेम प्रोसीजर, दूसरा नया पेज लगाया, ऊपर खींचा, फिर नीचे प्रेस किया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट, फिर इसको खोला और फिर पेपर निकाल दिया। तो इस तरह ये हाइड्रोलिक लिफ्ट काम किया करती है, और ये थर्ड एप्लीकेशन थी पास्कल्स लॉ की। समझ गए होगे, तो आप कहोगे सर इतना टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कुछ खर्चा भी नहीं आ रहा है, ना बिजली का खर्चा, ना कुछ, ना कुछ। अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं इसको, राजस्थान प्रिंटिंग में कई बार जो राजस्थान प्रिंट कहते हैं ना, साड़ियों वगैरह पाता है, तो गांव में लोग अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ लाइट प्रॉपर नहीं रहती है वहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखें इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग, सुने स्टेटमेंट, टू पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर का और ये 30 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन 50 किलोग्राम वेट इज प्लेस्ड ऑन स्मॉलर पिस्टन। ठीक है, जानो उसको, उसका एक और पार्ट भी है इसका, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द लार्जर पिस्टन वुड मूव आफ्टर 10 स्ट्रोक्स इफ द स्ट्रोक ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, टू पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैव डायमीटर्स ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, तो A1 पाई डी स्क्वायर बाई 4, 2.5 बाई 4 का स्क्वायर, A2 3.14 इंटू ये 30 सेंटीमीटर है, पाई डी स्क्वायर बाई 2 कर दो फिर यहां पर, मैंने स्क्वायर कर दिया होल का, तो ये A2 आ जाएगा। नाउ हमें निकालना है, F1 दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जेस्ट पिस्टन व्हेन 50 किलोग्राम वेट इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, 50 kgf
किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स एक ही बात है, और हमें एफ टू निकालना है। पास्कल्स लॉ में आपको पता है प्रेशर सेम रहता है, एफ वन अपॉन ए वन इक्वल्स टू एफ टू अपॉन ए टू, तो एफ टू मिलेगा ए टू अपॉन ए वन इंटू एफ वन, ए टू 3.14 इंटू 30 बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 3.14 2.52 का स्क्वायर इंटू 50 kgf। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7200 kgf। तो आपने सिर्फ 50 kgf लगाया तो यहां कितना आया, 7200 kgf। ये बेनिफिट हुआ करता है पास्कल्स लॉ से, ये बेनिफिट हुआ करता है एरिया बढ़ाने से। इज इट क्लियर? तो F2 आ गया 7200 kgf। इसका सेकंड पार्ट भी था, इफ द स्ट्रोक ऑफ ए स्मॉलर पिस्टन इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच अ लार्जर पिस्टन वुड मूव आफ्टर 10 स्ट्रोक्स। तो वन स्ट्रोक में देखें आप, तो इनपुट वर्क डन इक्वल्स टू आउटपुट वर्क डन, F1 into L1 equals to F2 into L2। तो जब हम लोग L2 निकालेंगे L2 equals to F1 L1 upon F2, 50 kgf था, L1 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, F2 7200 kgf। इससे L2 निकालेंगे तो आएगा 0.028 फॉर 10 स्ट्रोक्स, 0.028 इंटू 10 0.28 सेंटीमीटर। तो जो लार्जर पिस्टन जो डिस्टेंस कवरेगी आफ्टर 10 स्ट्रोक्स इट विल बी 0.28 सेंटीमीटर, जबकि वो कवर कर रही थी 4 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ये न्यूमेरिकल था पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड। क्लियर?